चलिए बात करेंगे ओबेदुल्लागंज की। लगातार बारिश से क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। बारिश यहां पर आफत बनकर बरस रही है। 48 घंटों से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। तस्वीरें ओबेदुल्लागंज से आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से पानी भर चुका है। लोग परेशान हो रहे हैं, मवेशी परेशान हो रहे हैं, कई क्षेत्र जलमग्न। बारिश आफत बनकर बरस रही है। 48 घंटों से बारिश का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का लोग सामना कर रहे होंगे। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ओबेदुल्लागंज की तस्वीरें देखिए। पूरे क्षेत्रफल में जिस तरीके से लगातार 48 घंटों से बारिश हो रही है, हालांकि देर रात ये बारिश का दौर जो है कि सिलसिला जो है कि कम हुआ है, लेकिन अभी भी हल्की हल्की फुरफुरी जो है बारिश की वो हो रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिशनखेड़ा में। आप देख सकते हैं कि घुटने घुटने पानी है ये मेन हाईवे पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन हाईवे की स्थिति है इनकी। जो ग्रामीणों का आवागमन का जो रास्ता है वो यही, और कहीं ना कहीं ये ग्रामीण लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसके कारण अपने गाँव में भी कैद हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से, मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये स्कूल है। आप देखिए ये स्कूल किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। सामने आप मंदिर देख सकते हैं। यहाँ लोगों के मवेशी, गाय भैंस जो है कि सभी इन जो इनके खलिहान है उसमें रुके हुए हैं, जिसमें कि लोग उनको उनको लेने के लिए जा रहे हैं। हमने अभी तस्वीरों में भी देखा किस तरीके से लोग गले गले पानी में अपने मवेशी जो है कि वहां से निकाल रहे थे और सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है, उनसे बात कर लेते हैं कब से ये स्थिति बनी हुई है पानी की और कब से आप लोग यहाँ पर फंसे हुए। ये जैसे ही जब से बारिश स्टार्ट हुई है उसके कुछ घंटों बाद में ही जो है ये बेदवा नदी यहाँ से जुड़ी हुई है, इस नदी से, छोटे नाले से, तो उसका पानी क्या है लगातार बढ़ता गया और इतना बढ़ गया, बारिश कम नहीं हुई तो कि जो आने जाने का रास्ता है वो भी बंद हो गया और कुछ निचली जगहों पे जो मकान थे उनमें पानी भर गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अगर वो तो भगवान का शुक्र है कि बारिश बंद हो गई। अगर एक दो घंटे और बारिश हो जाए तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, हम लोग यहाँ खड़े भी नहीं मिलेंगे। आप क्या स्थिति गांव की, कैसे आ जा रहे हैं? गांव की स्थिति बहुत खराब है और अभी भी होने वाली है। अगर पानी नहीं रुका तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि डैम के गेट भी थोड़े बहुत खुल चुके हैं, उससे और खराब हो जाएगी गांव की। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। आप मुझे बताइए लाइट कब से नहीं है? लाइट जब से पानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब से पानी भरा हुआ है, जब से लाइट का कोई सिलसिला भी नहीं है और मोबाइल फोन नंबर सभी बंद हो चुके हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। कैमरामैन जीतेन के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज़, ओबेदुल्लागंज।